पाकिस्तान। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, नाकाबिले शिकस्त शाहीन कैंगरूज पर झपटने के लिए तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल शुरू होने में बस एक घंटा बाकी। टाकरा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। ग्रीन शर्ट जीत के लिए पुरआज़म। ऑस्ट्रेलिया ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। सनसनीखेज मुकाबले का इंतजार। Yes. Into the leg side. तगड़े हरीफ आमने सामने, दोनों टीमों को बेहतरीन बल्लेबाज और लाजवाब बॉलिंग का साथ मयसर। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आसिफ फखर और शुएब मलिक शाहीनों की उम्मीदों के चराग। फिंच वार्नर, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड कैंगरूज के अहम हथियार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टक्कर की टीमें। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 6 बार टकराई, 3 में ग्रीन शर्ट सुरखरू, 3 मुकाबले कैंगरूज के नाम रहे। आज जो जीता वो बर्तरी हासिल कर लेगा। पाकिस्तानी शायकी ने क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। मोहम्मद रिजवान और शुएब मलिक सेहतियाब हो गए हैं। बुखार और फ्लू से छुटकारा, डॉक्टर्स ने फिट करार दे दिया। दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की दुर्गत बनाने मैदान में उतरेंगे। वर्ल्ड T20 के दूसरे सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान में जबरदस्त जोशो खरोश। शहरियों ने पाकिस्तान की जीत की उम्मीद बांध ली। कराची की लड़कियों ने हाथों पर सब्ज और सफेद रंग लगा लिया, चांद तारे भी सजा लिए। कहीं ढोल की थाप पर भंगड़े तो कहीं कौमी नगमे। शहरी कहते हैं पाकिस्तान आज जीतेगा। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, इन लोगों से बहुत उम्मीद है ये आज छक्के छुड़ा देंगे सबके। जिस तरह पाकिस्तान खेल पेश कर रहा है, बाबर आजम की कप्तानी में ये वर्ल्ड कप हमारा है। बहुत दुआएं हैं कि पाकिस्तान जीते। पहले भी पाकिस्तान सारे मैच जीत चुका है, तो अब इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी पाकिस्तान जीतेगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के वालिद भी कौमी टीम की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं। कहा, कौमी टीम आज भी कामयाब होगी। बाबर आजम ही नहीं बल्कि पूरी टीम की कामयाबी के लिए दुआ है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले भी यकजुबा हो गए। सबको पाकिस्तान की जीत का इंतजार है। खवातीन ने अपनी अपनी जुबान, मादरी जुबान में कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। यंग खिलाड़ी थी उम्मीद विजरा, स्पेशली बाबर आजम, आसिफ और रिजवान, उम्मीद इन विजा। पाकिस्तान टीम लास्ट मैच इंग्लैंड परफॉर्म है थी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के जीते और ट्रॉफी पाकिस्तान अर्जी सी। पाकिस्तान टीम माशाल्लाह बास दुआ शिलाइब करेंगे। हमारा होप हंसते हैं कि टाइम हमारे वर्ल्ड कप में मुल्का का आई। गुजरांवाला के पहलवान क्रिकेट के रंग में रंग गए। कौमी रेसलर इनाम बट का भी कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। पहलवानों ने गुजरांवाला के हसन अली से आज उम्मीद है बांधने। Today it is all cricket and I've invited friends to watch here on the big screen to see who wins. May the best team win. जर्मन कौंसिल जनरल हॉगलर ज़िल्गर भी पाकिस्तान की कामयाबी के लिए पुरजोश। अमरीकी सिफारती अमले ने पाकिस्तानी टीम को फेवरेट करार दे दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान से उम्मीद लगा ली। पाकिस्तान में बल्गारिया की सफीर भी ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरजोश हैं। वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान ब्रायन लारा ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। शाहीनों की जीत की पेश गोई। जुनूबी अफ्रीका के स्टार फास्ट बॉलर डेल स्टेन को पाकिस्तान के फाइनल में जाने का यकीन।
शनेरा अकरम भी पाकिस्तान की टीम की हिमायत में पेश। कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन लड़कों की परफॉर्मेंस से मुतमईन, सेमीफाइनल से कबल गिटार बजाते और गाना गाते रहे। शाबाश टीम पाकिस्तान, ट्रॉफी लाओ पाकिस्तान। टीम पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करें, न्यूज वन को वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें, हम आपका पैगाम नशर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं यही कहता हूं कि फैंस की सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर नीचे होते हैं, मगर अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं ना टीम से, तो फिर जब निचला जो एक पीरियड आता है ना, वो इतना लंबा नहीं होता है। फैंस की अहमियत समझता हूं, क्रिकेटर को फैंस बड़ा बनाते हैं। चेयरमैन पीसीबी रमी सुराजा का क्रिकेट फैंस के लिए पैगाम, कहा फैंस को आप जीत की उम्मीद है, फैंस की तवक्कात के मुताबिक हमने टीम बनाई, टीम नंबर वन नहीं बनती तो चेयरमैन समेत सब फ्लॉप है। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी शाहीनों की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद, कहा फाइनल में पहुंचे तो न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला मुकम्मल तौर पर हल कर देंगे, फाइनल में गए तो वजीर आजम इमरान खान दुबई मैच देखने जा सकते हैं, पूरी कौम अपनी टीम के साथ खड़ी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का पाकिस्तानी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार, कहते हैं कि मैच देखने के लिए केएमसी ने शहर भर में बड़ी स्क्रीन्स लगाई हैं, शहरी स्क्रीन्स पर मैच से लुत्फानंदोज होंगे, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब कर दी गई। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त, न्यूजीलैंड पहली मरतबा फाइनल में पहुंच गया, डैरन मिचेल और जिमी निशम की धुआंधार बैटिंग, मिचेल ने 47 गेंदों पर 4 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 72 रन बनाए, कॉनवे 40 और जिमी निशम 26 रन के साथ नुमाया रहे, इंग्लिश बॉलर्स हाथ मलते रह गए। पहले दिन से TLP के साथ मुजाकरात का हामी था शेख रशीद अहमद, कहते हैं खून खराबा नहीं चाहते, अल्लाह करे आज भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कामयाबी हासिल करे, मेरा फाइनल उस रोज हो गया जब भारत को हराया था। सरबरा TLP मौलाना साद रिजवी का नाम फोर्थ शेड्यूल लिस्ट से निकाल दिया गया, एलामिया जारी, कल अदम तंजीम के सरबरा होने के 22 साद रिजवी का नाम 16 अप्रैल 2021 को फोर्थ शेड्यूल में दाखिल किया गया था। अपोजिशन जमात मुतहर्रिक बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान 2 रोज में 5 मुलाकातें, इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन पर दोबारा बातचीत, इन हाउस तब्दीली मरहलावार लाने और इब्तदा चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक आदम से की जाए, पीपल्स पार्टी की तजवीज़, साथ रफीक खुर्शीद शाह और शाहिदा अख्तर अली की काफ लीग से मुलाकात, बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। स्पीकर असद कैसर और अपोजिशन के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, अपोजिशन ने स्पीकर को कानून साजी पर बनने वाली कमेटी को बहाल करने का मुतालिबा कर दिया, कहा कानून साज कमेटी में ये तमाम बिल्स पहले से मौजूद हैं, हुकूमत हर बात से मुकर जाती है, अब जो भी होगा तहरीरी होगा। वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई कि रियासत जिम्मेदारी पूरे करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा APS अस खुद नोटिस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, हुक्मनामे में कहा गया है कि जो अपनी सिक्योरिटी जिम्मेदारी पूरी ना कर सके कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेंगे, वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा अफगान आवाम को अशिया जरूरियात तिब्बी सामान और शेल्टर्स भी देंगे, दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी बहरान रोकने के लिए जिम्मेदारी पूरी करे।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि OIC नुमाइंदा खसूसी को कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी से आगाह किया। OIC को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह रखना चाहते हैं। भारत का मकसद मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी तसल्लुत बरकरार रखना है। वजीर रेलवे आजम समाती इलेक्शन कमीशन में पेश, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबी असलाहत लाना पार्लियामेंट और हुकूमत का काम है। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात जबरदस्त तरीके से होंगे। धांधली से जान छुड़ाने के लिए इंतखाबी असलाहत जरूरी है। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। लेहा में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। कराची में अलग सुबह दर्जा हरारत 16 तक गा गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज और कल मौसम खुश्क रहेगा।